साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, यदि आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है साथियों, क्योंकि सभी फार्मेसी क्वालिटी पर जो है अब नया नियम जारी होने जा रहा है। इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या है पूरी अपडेट, हम आपको इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथियों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पे हम आपको फार्मेसी से जुड़ी हर एक अपडेट समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करते रहते हैं। यदि आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाया जाएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको पूरी अपडेट देते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दवाओं कॉस्मेटिक की क्वालिटी पर नए नियम, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट कहाँ की है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पीटीआई नई दिल्ली के द्वारा है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO, ठीक है, ने बाजार में मौजूदा दवाओं और कॉस्मेटिक की क्वालिटी और उनके असर पर निगरानी रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए दवाओं या कॉस्मेटिक के सैंपल लेने के मामले में एक जैसा तरीका अपनाने को कहा है। दवा नियामक ने कहा कि मौजूदा समय में जो सैंपल लिए जा रहे हैं वे बड़े ब्रांडों की दवाओं के हैं। ये सैंपल केवल शहरी या उपनगरीय जगहों से इकट्ठा किए गए हैं। नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि सैंपलिंग के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों को कवर नहीं किया गया है। ऐसे में उन दवाओं की जगह लोगों की दवाओं को जो है क्वालिटी और उनके असर का आकलन नहीं किया जा सकता है। पिछले रुझानों से जो देखा गया है कि सैंपल चुनने और सैंपल के लिए जाने के लिए जगह की कोई परिभाषित तरीका नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कॉस्मेटिक के नमूने इकट्ठा नहीं किए गए हैं, यानी कि ये जो है लगातार जो है, जो कि गांव से दूर है, शहर या कस्बे में दुकान है, वहां पर बड़ी बड़ी ब्रांड का सैंपल लिया जा रहा है। आए दिन आप लोग देखते होंगे दवाओं के कारण किसी न किसी की हालत गंभीर हो जाती है, कहीं तक मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, इसके लिए जो है सभी का सैंपल लिया जा रहा है। इसके लिए न्यू गाइडलाइन भी जारी किया गया है और भी अपडेट इसके बारे में अवश्य आएगी, इसके विस्तार के बारे में जो कि इससे जुड़ी रहेंगी, हम आपको वीडियो में के माध्यम से आगे भी जानकारी देते रहेंगे। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको अवश्य इसको जानना चाहिए, ठीक है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।